आसानी होगी और जहां भी न्याय सामाजिक न्याय की परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी वहां चंद्रशेखर हमेशा ही रहे। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज मैं यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ। मैंने वो दर्द देखा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो जो मजदूर तबका वहां परेशान था सड़कों पे, जिसके लिए किसी के पास ना सिर्फ सरकार के पास तो व्यवस्था नहीं थी, जिस सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने तो मना कर दिया कि बसें भी नहीं हमारे पास। वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए, उनका हमराही कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा था। ये सामाजिक लोग गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना, मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सकें, खुशहाल बिहार बना सकें, जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे, हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ है। हम यहाँ इसलिए हैं कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। जो लोग अहंकार में, हमने सभी लोगों ने निमंत्रण भेजा है और हमने पहल की थी। मैंने खुद कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े। कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती है। जनता वो होता है, आज का समाज नेता उसे मानता है जो उनके बीच में रहता है, जिनसे वो किसी भी समय मिल सके, जिसे अपना दुख दर्द कह सके। और वीआईपी सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज को सुन पाएंगे। धन्यवाद। के नाम से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैं कल गया था हाथरस, आप बयां कर पाएंगे, आर भारत ने तो नहीं दिखाया। एक बच्चे की जीभ काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कल मेरे जाने के बाद कम से कम मैं इसलिए चला जाता हूँ कि न्यूज वाले जो संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को सजा मिलना जो है आसान हो जाता है। मैं जहां जाता हूँ इसलिए जाता हूँ कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। मैं यहाँ भी इसलिए हूँ कि मैंने इनसे वादा लिया है कि यहाँ भी जाति अत्याचार पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे। मैंने, मेरी सबसे पहली मांग ये है कि अगर यहाँ किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूँ, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा।